हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो sarkarijobfind.com वेबसाइट है। इससे जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, sarkarijobfind.com। जैसे सर्च करेंगे ये वेबसाइट आपको कुछ इस तरह की दिख जाएगी। तो इस वेबसाइट में जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म में आपको वो सारे कुछ मिल जाएगी। अदर रिक्रूटमेंट जॉब में और भी फॉर्म मिल जाएंगे। दोस्तों, ये एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि जितने भी प्राइमरी टीचर हैं, चाहे वो सरकारी हों, जितने भी सरकारी प्राइमरी टीचर, चाहे वो 1 से 5 तक पढ़ा रहे हों या 6 से 8 तक पढ़ा रहे हों, उनकी सैलरी अब 10,000 रुपये प्रति मंथ हो गई है। दोस्तों, ये वीडियो आप देख ये न्यूज़ आपने व्हाट्सएप पे जरूर देखा होगा। यदि नहीं भी देखा होगा तो ये वीडियो बहुत तेज़ी से, मतलब ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। तो मैं आपको यही मैं सोचा वीडियो बना के बता दूं जिससे लोग कन्फ्यूज ना हों। काफ़ी काफ़ी लोग इससे बारे में मुझसे पूछ भी रहे थे। तो आपको 100% श्योरिटी के साथ मैं बता दूँ कि यह जो न्यूज़ है पूरी तरह से फेक है। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये प्रति मंथ कर दी गई है। चाहे वो बीएड वाले टीचर हो, चाहे वो बीटीसी वाले टीचर हो, चाहे कोई भी जो प्राइमरी के टीचर हो, चाहे वो जूनियर हाई स्कूल के टीचर हो, तो उनकी सैलरी बिल्कुल जितनी मिलती थी 35-40 हज़ार जो भी मिलती थी बिल्कुल उतनी ही रहेगी। और जो शिक्षा मित्रों की सैलरी के बारे में परिवर्तन किया गया है, जो कि 10,000 रुपये प्रति मंथ की गई है, वो शिक्षा मित्रों की सैलरी है, न कि इन सब टीचर्स की। तो काफ़ी लोग इस बारे में कंफ्यूज थे। तो मैं आपको ये बता दूं 100% श्योरिटी के साथ, ये जो है कोई भी इस तरह की न्यूज़ नहीं है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर, अपर प्राइमरी स्कूल के टीचर, जो बीएड बीटीसी ये सब हैं, उनकी सैलरी जैसे मिलती थी वैसे ही मिलेगी। और जो नए टीचर बनेंगे उनकी भी सैलरी जितनी मिलती है, जितनी सैलरी है उतनी ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नए टीचर आप बनेंगे तो कम मिलेगी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये नहीं, बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल फालतू की है। यदि आपके व्हाट्सअप हो तो इसको शेयर ना करें और इसको डिलीट कर दें और लोगों को बताएं कि ऐसे भ्रम ना फैलाएं। तो यही वीडियो था, इस वीडियो में यही आपको बताना था कि इस बारे में आपको बता दूं वीडियो के माध्यम से, जिससे आप सारी चीज़ें समझ पाएँ। और ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, फालतू की न्यूज़ पर आप विश्वास मत किया करें। कोई ऑफिशियल जब न्यूज़पेपर वगैरह में आता है, कोई ऑफिशियल चैनल आपको बताता है, तब सारी चीज़ों पर विश्वास किया कीजिए। ऐसे फालतू व्हाट्सअप की न्यूज़ तो फालतू में फैली रहती रहती हैं। तो इस वीडियो में इतना है, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस वेबसाइट को जरूर फॉलो कीजिए sarkarijobfind.com की, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म मिल जाएंगे, और जो भी न्यूज सरकारी नौकरी और इन चीज़ों से आती है सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगी। लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज में और फॉर्म में, लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म में फॉर्म, लेटेस्ट अदर रिक्रूटमेंट जॉब में और आर्मी वगैरह के फॉर्म, पुलिस वगैरह के फॉर्म मिल जाएंगे। और यहाँ पे आंसर की वीडियो और जॉब एडमिशन सिलेबस सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।